मीनू बाजी ने बताया था कि ये किसी से प्यार करते, अल्लाह का पक्का वादा। क्या बोल रही हो यार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम, ये देख कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है। तू बाजी? नहीं नहीं, मैं नहीं अम्मा, मैं नहीं। ये पाकिस्तान आके रह लेगी? अरे ये क्यों पाकिस्तान आएगी, हमारा हाथी जाएगा कनाडा, और आपको पता है ये वहीं जाके उसके बाप का रेस्टोरेंट भी संभालेगा। एक औरत है अम्मा छूमंतर के नाम से, एक ही हवा के अंदर वो सारी हवाई चीजें उड़ा देती है। कहो तो मैं उससे गल करे सर। बस आपा, मैं तो कह रही हूँ फौरन बुला ले इनको। अरे भिंडी देख के नहीं चल सकती क्या? हटो पीछे, वैसे उस्ताद जी के हाथों फंसते फंसते बची हूँ मैं। क्यों, उनको पता चल गया कि तुमने जो पैसे बटोरे थे वो चौकीदार की बेटी के लिए नहीं, अपनी दोस्त के तोहफे के लिए लिए थे? हुँ? मीनू को पकड़ना ना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। पीछे देखो जरा। क्यों, पीछे मौत का फरिश्ता है? देख तो लो। तोड़ा बेड़ा तर जाए, देखी जरा। बेबे, स्क्रीन गई। हाय मैं मर जावा, तोड़ा बेड़ा तर जाए, तानू अल्लाह पूछे, तोड़िया हड्डियां तोड़ के मैं शरीका दे भूए अग्गे पावा, तानू अल्लाह पूछे। हाय अब क्या होगा मिर्ची? अब कहीं कराना पड़ेगा। पैसे लग जाएंगे बहुत सारे। चलेगा तो सही कि नहीं चलेगा? अभी नहीं चल रहा। हाय हाय हाय, हुआ हौसला की थी कर, क्या थी गया है? बहुत मेरा हाँ प्यार सड़ता है। फोन मिला वेडिंग बेल्स वाले एडी को। अम्मा आपको पता है ये वेडिंग बेल्स वाले एडी कितना एक्सपेंसिव है? 1,00,000 रुपए तो सिर्फ रिश्ता कराने के एडवांस में ही ले लेता है ये। भले ले ले, लेकिन इसी महीने में फाइनल करा दे रिश्ता। हादी से पहले ना गई मेरे फाजी की बारात, पूरे बरादरी दे मेरी नाक कट वैसी। हे मिस्किन, मिला दे नंबर, मिला दे नंबर। बुआ एक बारी सोच गिन, एडी बहु महंगा है। चुप कर चंड, मिला नंबर। गुल से तो पूछ, गुल। खुदा ना खास्ता किसी और ने कोई गुल तो नहीं खिला दिया? ए पोत्र, ओ एडी रिश्ता कराने वाले से राबता कर, मेरे मिठल के लिए मार्निंग शो में देखा था, मेरी हालत बहुत खराब है। अम्मा कल का दिन निकाले, परसों मैंने माई छुमंतर को बुलाया है। और वो जो लड़की वाले आ रहे हैं परसों, उनका क्या होगा? हाँ तो मैंने उनको खुद ही बुलाया है कि आकर देख जाए। अब अम्मा की तबीयत जो इतनी खराब चल रही है, इसीलिए बता रही हूँ सबको, कान खोल के सुन लो, हादी से पहले जाएगी मेरे फाजी की बारात। हाँ हाँ, यहाँ तो रेस लगी हुई है ना, कौन बनेगा पहले पति? पोत्र इज्जत का मामला है। अम्मा ये इज्जत का नहीं, मेरे फ्यूचर का मसला है। क्या हो क्या गया है आप सबको? हमने कौन सा इमरजेंसी नाफिज किया जो तुम इस तरह बिलबिला रहे हो? आपकी शक्लें देखकर तो यही लग रहा है कि इमरजेंसी नाफिज हुई भी है। पोत्र सकून की तिकर में ढहा प्यास हटता है। मैं ही पागल हूँ जो दीवारों से सर फोड़ रहा हूँ। बेटा मेरा। अम्मा सूप पिए चले। हाय हाय, शक्ल मोमना करतूत काफरा। दिल तो मेरा कह रहा था कि मैं भी एक जूत फेरूं अच्छे तरीके से, ताकि याद रखे सारी जिंदगी। एक दफा फैटी लगा देना। तुम्हें कुछ अंदाजा है सेलफोन की स्क्रीन कितनी महंगी होती है? लो खुल गया हिसाब किताब का रजिस्टर। तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि शायद मेरे पुत्र की हराम की कमाई नहीं है, ख्याल ही नहीं किसी को। बेबे हम सारी फ्रेंड्स मिलके ना चंदा इकट्ठा करी थी चौकीदार की बेटी के लिए। अच्छा तो तूने घर में ही चित्र परेड शुरू कर दी है ना? बेबे आप मेरी बात तो सुन ले। हाँ जी फरमाओ, मैं हमदन गोश हूँ। चौकीदार की बेटी की मदद के लिए ना फाजी भैया ने अपनी जाती खुशी से दिए थे मुझे पैसे, और उसने ना चुगली लगा दी फाजी भैया को जाके कि मैंने झूठ बोल के पैसे निकलवाए हैं। लो कर लो क्यों फांडा। बेबे आप हमेशा मुझे ही गलत समझा करें, हालांकि इस कद्दू वो वलीद है ना, उसकी गलत बयानी की वजह से सब कुछ हुआ है, और अब देखें कैसे जाके ग्राउंड में बैठ गया है। मुझे तो अभी भी वैसे दाल में कोई काली काली चीज लगती है। बेबे मैं किसी यतीम बच्ची के पैसे क्यों खर्च करूंगी? क्या मुझे आखिरत से खौफ नहीं आता? क्या मुझे कयामत वाले दिन अल्लाह को जवाब नहीं देना है? बेटा तुम इतनी अच्छी नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। जो भी है किशोर भाभी से कह दें कि वलीद को समझा दें, बहुत ही गलत हरकत की है और बहुत ही नॉन सीरियस है वो।
आपकी औलाद तो जैसे बहुत सीरियस है ना, सारी सारी रात एटर बॉम्ब के फॉर्मूला बनाती है। अच्छा बस करो ना अपने राग, बस करो मेरे बारे में सोचो, कि मेरे फोन की स्क्रीन के बारे में सोचो, उसको जुड़ाओ। मेरे सोशल मीडिया पे फैन जो है वो मेरी पोस्टों को मिस कर रहे होंगे। बेबे आपका फोन तो ठीक हो जाएगा, मगर आप मिर्ची को सोशल मीडिया से दूर रखें। रजा से कल कहेगा मिर्ची अपने आप से दूर रखे, कैसी बातें करता है? वो मेरी बेस्ट बड़ी है, हम दादी पोती की बड़ी दोस्ती है, हम पोस्टे लगाते हैं। यू डोंट वरी एंड बी हैप्पी। पागल ये सारी जो है ना, इसने सब इसने हरकत की। शुरली जो है ना बड़ी तेज है, मुझे पता है इसका। मिर्ची मोबाइल नहीं दे रही, मैं मोबाइल नहीं दे रही। अरे मैं बात तो सुन मेरी। मिर्ची इधर आओ ना, इधर मेरी प्यारी मिर्ची। क्या मुसीबत है? देख तुझे नहीं पता तेरी बहन सब कितनी टेंशन में है। फाजी भाई के घर मैं नहीं जाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। वो तो जाना पड़ेगा। देख जब हम इमली पापड़ और गोलगप्पू के पार्टनर्स हैं तो मेरा मसला तेरा मसला हुआ ना। अच्छा क्या है? ये लिफाफा जाके साजी को दिया, और देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाय अल्लाह, लव लेटर है ना ये जो फिल्मों में लिखते हैं। पैसे हैं इसमें, वो भी मुझे उस कद्दू की वजह से वापस करने पड़ रहे हैं उनको। आप तो अपना बुखार भी किसी को ना दे। मत पूछो मिर्ची, उस ताजी को कल से कितनी मिर्चें लगी हुई हैं। जाना जाके देकर आ जाओ ना, तेरी बहन मारी जाएगी। मैं नहीं जाती, छोटी दादी ना इस वक्त लाउंज में ही बैठी होती हैं। एक तो उनकी चेक पोस्ट में बहुत तंग हूं, क्या करूं कैसे पहुंचाऊं ये लिफाफा। एक आईडिया है मेरे पास। बोल। हम ये लिफाफा ना पत्थर पर बांधकर फेंक देंगे फाजी भैया के घर, वो खुद ही उठा लेंगे। छोटी दुनिया, आईडिया तो बहुत अच्छा है। आज संडे है ना, आज साजी भी घर पर ही होंगे। चल फिर लग जा अपने मिशन पे, और आके ना कटी कटी कैरियां खाएंगे। फाजी रूमी से बात कर, ससुराल वालों से लड़कर आ गई है। यार आप आई की छुट्टी का दिन है मेरा, वो तो बर्बाद ना करो। उसके लाड उठा उठा के तूने उसको सर पर चढ़ा दिया। कहती क्या आखिर? कहती है जब तक भाई की शादी नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब सोच अगर तेरी 5 साल तक शादी ना हो तो क्या वो 5 साल यहाँ ही बैठी रहेगी? लग तो मुझे भी कोई 5 साल मनसूबा ही रहा है आप लोगों का। अब हादी की तरह किसी को भी उठाकर तो नहीं ले आएंगे ना हम, कुछ स्टैंडर्ड है हमारा। अरे यार आपा छोड़े हादी को, मैं रूमी से बात कर लूंगा, आप जाके अम्मा को ठंडा करें प्लीज। खाम खा ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है कल से। टेंशन है उन्हें तुम्हारी और मिशी की, और होनी भी चाहिए। मुझे देखो 5 साल से यहाँ बैठी अपने मिये के साथ ख्वार हो रही हूँ। तुम लोगों का कहीं ठिकाना लगे तो मैं अपना सोचूं। बिल्कुल। एक मिनट क्या बड़ी हो गई, सारा बोझ मेरे नाजुक कंधों पर आकर गिरा। को स्पेलिंग भी नहीं आते सॉरी के। तो बच गए। ओए लूजर, लगता है सफर पे आउट हो गया आज भी। तुम लोगों की हाई लगी है मुझे। कहा था ना मलंगी की बद्दुआ से डरो। चल भाई मिर्ची, हम तो अंदर चल के मिर्ची लगा के खाते हैं कैरियां। बाय। अल्लाह करे तुम लोगों के पेट में दर्द हो। बद्दुआ दे दूंगी फिर से। हाँ भाई, कल रात बात हुई हमारी होने वाली भाभी से? हाँ हुई थी ना। ओए, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो छुपा कर बैठा है। छुपे रुस्तम। नहीं यार, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था असल में। क्यों, मैथ के फॉर्मूले पूछ रही थी क्या? नहीं नहीं यार, बड़ी ना रिजर्व्ड और सीरियस किस्म की खातून है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पटर पटर करती हुई नॉन सीरियस इमेच्योर लड़कियां किसे पसंद आती हैं। और वैसे भी बेटा तुझे तो वो ही सीधा करेगी। यार वो बात नहीं है, अब ऐसा भी ना हो ना कि टीचर स्टूडेंट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाए। अरे कुछ नहीं होता यार। खैर तू सुना, तेरी तरफ क्या चल रहा है? डिप्रेशन। किस चीज की? वो ही रट यार, हादी से पहले निकलेगी फाजी की बारात, नहीं तो कट जाएगी बरादरी में अम्मा की नाक। वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि कोई कदम तक रख नहीं देगा उनके अबाई शहजाद का बाद में। एक तो हमारी दादियों के खुद साख्ता दुख। मिर्ची चलिए अपना इंक पेन निकाल। क्या करना है बाजी? कि सरकारी स्कूलों के स्थानीय तरह सवाल जवाब करना बंद करो, चलिए निकालो।
ये क्या कर रही है? ये तो वली भैया की शर्ट है। कद्दू ने ना परसों उस्ताद जी के सामने मेरा मुंह काला किया था, आज मैं इसकी सारी शर्ट काली कर दूंगी, धोता रहेगा बैठ के। अगर वली भैया को पता चल गया तो? तू बताएगी? नहीं। तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं बताऊंगी? आज ना वर्ल्ड बैंक पे ना डाका डालते, तो मेरे दोस्त तुम्हारे और सौरभ फकीर के। हाँ ये लो, पहले चेक तो कर ले कि अब्बा है कहाँ। अरे कहाँ होंगे, वहीं बैठे होंगे डाइनिंग टेबल पे, कोई नया खर्चा सुन के उनका बीपी हाई हो रहा होगा और अम्मा का लो। मैं वायर लेकर आती हूँ गुल्लक से पैसे निकालने के लिए। अब्बा कमरे में मिलते हैं। हाँ ननी, माना लड़की ने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान है ना हाथी की दुल्हन को लेकर। अरे हाँ हाँ, तुम खुल कर पूछो, जो मर्जी पूछना चाहती हो पूछो, अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मैं सब चीजें उसकी पसंद की भेजूंगी, तुम बेफिक्र रहो। हाँ हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना और दुआ देना। अल्लाह हाफिज। इस तरह स्टाइल में क्यों खड़े हैं, बैठे नाश्ता करें। किशोर भाभी, वो कहाँ बच्ची को पाकिस्तानी चीजें पसंद आएंगी, क्यों खामखा पैसे बर्बाद कर रही है? किफायत भाई, हादी की शादी का मामला है, कुछ ना करना पड़ेगा ना। निका तो हो लेने दे, फिर मुनासिब कीमत की दो चार चीजें खरीद लीजिएगा। किफायत भाई, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, कामिल मेरे के अकाउंट में काफी पैसे छोड़ के गए हैं। नाश्ता तो करती जाए, खफा कर दिया ना इन्हें। अरे भाई, पैसा मेरा हो या कामिल भाई का हो, जरूरी है फजूल चीजों में फूकना है? और भाभी को भी तो होश के नाखून लेने चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर कारोबार दुकानें सब हमारी है, अब फिर भी इतना खर्चे का ढिंडोरा क्यों पीटते रहते हैं? जिस तरह तुम जायदाद की तफसील बता रही हो ना, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। और ये दो फ्राई अंडे क्यों बनाए हैं? अल्लाह, गलती हो गई, एक वलीद का था, ये ले, एक अंडा काफी है। ये क्या टॉपी ड्रामा है? वो फाजी भैया, ये तो नकाब है। किस खुशी में? वो कॉलेज जा रही थी ना अकेले। क्राइम पार्टनर कहाँ है तुम्हारा? फूट पड़ गई दोनों में। आपको किसने बताया? उस्ताद हूँ बेटा तुम्हारा। जी चलो गाड़ी में बैठो, ऐसी मुंह उठाकर निकल आई हो घर से। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जाना जरूरी है। तो मैं कौन सा तुम्हें चिड़ियाघर लेकर जा रहा हूँ, ऑब्वियसली कॉलेज ही ड्रॉप करूंगा ना, चुप करके बैठो। और ये नकाब कुशाई कर लो, 36,000 दफा देखा हुआ तुम्हारा मनहूस चेहरा। नहीं वो तो बस वैसे ही। ऐसी हरकतें करती क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? जी हर रोज कोई नया कारनामा, आग ही लग गई घर को, घर के चराग से। चलो सारी क्लास तो यही हो गई, कॉलेज जाने का क्या फायदा है। आ रही हूँ। चची ये देखिए अपनी नवाबजादी के काम, खुद तो अपना बैग उठा के अकेले कॉलेज के लिए निकल गई, और ये देखिए मेरी शर्ट, उसी ने खराब की होगी इंक से। अल्लाह, देख ले अपनी बेटी के काम, ये पास हो या फेल मैं इसकी शादी करवा के छोड़ूंगी। और तुम अभी तक यही खड़े हो, अरे जाके देखो पीछे गली में होगी खामखा टैक्सी रिक्शे के खर्चे होंगे, घर में सवारी है तो। इस शर्ट का क्या करूं फिर मैं? रख तो ना, ब्लीच कर दूंगी। चाय भी नहीं पी सकता हूँ आराम से बैठ के, हर बात पे खर्चा निकल आता है कोई ना कोई। अरे भाई इतनी चीनी चाय में, चीनी का भी खर्चा पड़ेगा क्या? दे दे मुझे, मैं पी लेती हूँ। पहचानेगा कैसे? हाँ वो चौक के सजे पास से पेटी। अम्मा मैं निकल रहा हूँ फिर। हाँ ये क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई चल तो आप रहे हो, हम तो रुके हुए हैं। शक्ल तो आपकी कुछ और ही बता रही है मुझे। मिठल कहाँ की तैयारी है? तरावियों की अम्मा। जारी सी बातें, ऑफिस जा रहा हूँ यार, हर कोई आपके दामाद की तरह खुश नसीब थोड़ी हो सकता है। अब घर दा पीर चुल दा वटा। मिस्कीन भाई, कभी आप भी कसम तोड़ के ऑफिस का चक्कर लगा ही लें। ठीक है, दोपहर में रेडी रहना, आपको पिक करने आ जाऊंगा। छोड़े से तू वापसी पीना, मेरे घुटनों का लोशन लेते आना। हाँ, और मेरे लिए दो खट्टी टाफिया। ये मिस्कीन का बच्चा कहाँ रह गया? कहीं अम्मा छुमंतर ने फूंक मारकर उड़ा तो नहीं दिया उसे? कोई रूई का गोला थोड़ा ही है जो फूंक मारने से उड़ जाएगा। फाजी आ गया तो बहुत मसला हो जाएगा। अभी 42 मिनट पहले तो दफ्तर गया है, इतनी जल्दी थोड़ी वापस आएगा वो। ये मिनट मिनट का हिसाब छोड़, और
पता कर मिशी और रूमी कहाँ घुसी बैठी हैं। मिशी नजरें टिका कर किसी लैपटॉप पर बैठी होगी, और रूमी मैडम को सवाई ठूसने की और अपने शोहर से फोन पर झगड़ने के अलावा कुछ आता भी है? पूछे कहाँ रह गया है? मिस्किन, तू कहाँ रह गया है? अम्मा चुमंदर के साथ भाग गया क्या? घर जल्दी वापस आ, फाजी आ गया तो तेरे बालों से बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हाँ, छूमंतर को खिलाएंगे क्या? हाँ, क्या खिलाएंगे? पता नहीं। ओ भाई, ये तो गलत घर है, पीछे वाले घर में जा रहा है। ये नवाब विला है, वो नवाब हाउस है, चल गाड़ी पीछे ले। एक ही गली में एक ही नाम के दो दो घर, नहुसतों का बाप पाल लिया है। तौबा तौबा तौबा, पीछे कर पीछे। अम्मा आ जाओ। हक मौला। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा, आहिस्ता बोलो वरना सारे मोहल्ले वाले सुन लेंगे। अरे फिकर क्यों करते हो बच्चा, अम्मा छूमंतर चाहे किसी भी माई के लाल को मक्खी की तरह चिपका दे दीवार पे। हाँ अच्छा चलो अम्मा, सब अंदर इंतजार कर। हक मौला। सरकार अब आप भी अंदर चले। ये क्या सीन था? ये तो अल्लाह मियां बेहतर जानते हैं, या मिस्कीन भाई या फिर वो मॉडर्न फकीरनी डफर। अच्छा मेरी बात सुनो, सुबह तुमने मेरी शर्ट के साथ काफी सुथरी की है, अब ये गुस्सा छोड़ दो, मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे भी। मीनू तो लड़की वाकई बहुत कूल है, और दुनिया ना तेरी तरह बड़ी फजूल है। पूरा घर किसी जहरीली नजर के हिसार में है। जब सामने डेन का घर होगा तो कैसे नजर हटेगी? एक एक कमरे में करना होगा अमल। तो कीजिए ना, तभी तो मैं आपको इतना लेके आया हूँ। तुम्हें मशकूक लग रही है खातून मुझे। अपनी ऐना का शीशा साफ करके देखो, अच्छी खासी नेक खातून है। तीनों लड़कियों पर बंदिश है। हम तीनों पर? इन तीनों पर। एक पर औलाद की बंदिश, एक पर शादी की बंदिश, और एक पर पैसे की बंदिश है। आपको कैसे पता? अम्मा छूमंतर सब जानती है बच्चा। सबसे पहले तो तेरे ही कमरे से शुरू होगा अमल। जी जी जरूर कीजिए। अमल के बाद मेरे मोक्कल 8 घंटे तक पढ़ाई करेंगे। खबरदार जो किसी ने किसी कमरे का दरवाजा खोला। अब बेफिक्र हो जाए, हम कभी दरवाजे नहीं खोलेंगे। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। माँ छूमंतर आइए, मैं सबसे पहले अपना कमरा आपको दिखाऊं। तेरे कमरे में नहीं, इसके कमरे में जाना है। मैं गुल का खाविंद हूँ। बड़ा अफसोस हुआ। आइए आइए, सबसे पहले आप आइए। नहीं पहले तू चल। पहले आप। अबे मैं तो नहीं जानती ना तेरा कमरा कहाँ है, चल। जी अम्मा आइए। करवा ली बेइज्जती। हाय अल्लाह, ये अम्मा छूमंतर तो सब कुछ जानती है। मिस्कीन भाई ने बता दिया होगा। इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। इज्जत कर लिया करो, भेनोई है तुम्हारा। पहले आप तो कर लें। आपके भेनोई की कॉल आ गई। अम्मा अम्मा, एक तावीज ना मेरी सास की जुबान बंदी के लिए भी ले लीजिएगा। हाँ, बदपरवर के बाल झड़वाने के लिए भी कुछ ले लेते हैं। बुआ, कमरे में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, चले हम लोग नीचे चलते हैं। आ जाओ भाई गुल, तुम भी आ जाओ। पहली बार तूने अकल की बात की। आए अम्मा। स्टॉप कर देती। ए मीनू, ए मीनू बता मुझे जरा,
बच्चों के घर कौन सी फकीरनी औरत आई है? बता दिया वलीद ने आपको, एक तो दो नंबर क्रिकेटर के पेट में ना एक बात नहीं टिकती। ये मच मच करके खाना बंद कर और बता जल्दी से मुझे। मेरी प्यारी बेबे, मुझे नहीं मालूम वो होगी कोई मिस्किन भाई की दूर की रिश्तेदार। रिश्तेदार? इसका तो आधा टब्बर सादकाबाद की तिक्का कलोनी और आधा टब्बर जो है रेत के टीले पे रहता है, वहां से बक्सा उठाए बगैर कौन आ गया? वो तो कोई फ्रॉड औरत लग रही थी। हाय अल्लाह करे, उसका रानी हार तो ले जाए कम से कम, जो तेरे दादाजी ने सिर्फ मुझे सड़ाने के लिए मेरी सौकन को शादी की सालगिरह पे दिया था। अल्लाह ऐसा ही करे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ओहो भाई, ये माछो मंत्र। मिर्ची जा मेरा पुत्र, जा मेरी शहजादी, जा तू पता लगा के आ, जरा उंग सुंग ले के आ कि वहां हो क्या रहा है, कौन आई है। वो सारे पापड़ खा जाएंगी बाजी मेरे। ए मुंह चुई टिड़कोई, चल मेरी बेस्ट बड़ी का हिस्सा साइड पर रख दे। चल फोन कर तो पता करे स्क्रीन बनकर आ गई कि नहीं। हाँ दिले आएगा शाम को, तू मेरा बच्चा नीमी नहीं होकर निकल जा और सुन सारा पता लगा के आई वहां क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा। अच्छा लॉटरी अम्मा, ए पापड़ दे मेरी बेस्ट बड़ी के हिस्से के, मैं भी तो देखूं क्या है तुम लोग खा रही हो चपर चपर। अम्मा छू मंत्र बड़ी चीज है तू, आज तो लॉटरी निकल आई। आइए 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 आइए, सॉरी सॉरी, आइए आइए, देखिए अम्मा देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ भी भूख मार, आइए 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 आइए। ऐसा किया है तोड़ के दुश्मन के हिल जाए जोड़ सारे जोड़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे फाजी का रिश्ता हो जाएगा? रिश्ता भी हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, और 15 दिन में शहनाई की आवाजें आ रही मेरे कानों में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब कह दिया कितना होगा। अरे अम्मा छू मंत्र तो फी सबीलिल्लाह करती है सब कुछ, उसे पैसे का कोई लालच नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए तो आपके चेहरे पे इतना नूर है, बिल्कुल मॉडल की तरह। अम्मा आइए मैं आपको छोड़ आऊं, आए चले। अरे नहीं बच्चा, कैब मंगा के दे, अगले घर में जाना है अमल करने। जा जा मिस्किन भाग के जा, जल्दी टैक्सी रोक ले, चल चल। और हाँ याद रहे 8 घंटे तक कोई कमरा नहीं खोलेगा वरना अमल गारत हो जाएगा। नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, हम कमरे में कदम भी नहीं रखेंगे। और जो मेहमान आ रहे हैं शाम को उनका क्या होगा माँ? ड्राइंग रूम में जाने से मना थोड़ी किया उन्होंने, क्यों कहीं जा भी बैठो, बस कमरे में मत जाना। तेरी पेशानी बता रही है तू बड़ी बख्त वाली औरत है, जा तेरे पूरे घर पर फूंक मार दी अम्मा ने। पूरे घर पर? माशाल्लाह माशाल्लाह। टैक्सी आ गई, टैक्सी आ, अम्मा टैक्सी आ गई। हक मौला हक मौला हक मौला हक मौला। ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? तुझे भेजा था वहां जाकर टोल लगा के आ गया, डर के मारे वापस आ गई है। अंदर से ना घुंघरू बजने की आवाजें आ रही थी। हाय वे मर गई है तेरी छोटी दादी ने, कौन सा थिएटर लगा लिया है। अल्लाह का पक्का वादा, कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है। तो वो तो तुझे देखने को भेजा था। ये सेंचुरी हो गई, छोटे मुंह तेरा। लो जी आ गया तेरा बटा फरा। फोन ठीक करा दिया आपका? हाय माँ सदके जाए शुक्र अल्लाह तेरा, वेरी गुड। ये बता कि वो तेरी छोटी की दादी घर में क्या हो रहा है? क्या पता, हाँ वो शायद फाजी की रिश्ते के लिए आई हुई है फैमिली।
हाय हाय, तो फकीरों और बलंगों से रिश्ता करेगी, बख्त तो पागल हो गई है। क्या कहती रहती बेबे आप, मुझे कुछ समझ नहीं आती आपकी। भाई हमारी बातों की अब तुझे कहाँ समझ आएगी, तू जा कनेडा, तुझे तो अंग्रेजियां समझ आएंगी ना, हमारी बोली कौन समझता है भाई। जाके ना मीनू को बोलो जबरदस्ती चाय भेजे मेरे लिए। क्या हो रहा होगा भला, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऐसा करती हूँ फेसबुक पे देखती हूँ, इसने बख्तों ने कोई ना कोई शोध बना जरूर मारा होगा। चुमंतर के जाने से तो मेरा सारा सर ही हल्का हो गया। हाँ दादी जान, वो बुरी नजर का असर जो खत्म हो गया है। मैं तो कह रही हूँ बड़ी नेक खातून लग रही थी। अल्लाह करे मिशी और फाजी दोनों का रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए, ताकि हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो। आमीन। ये रूम्स में जाने से क्यों मना करके गई हैं? बताया तो है वहाँ मुअक्कल सफाई, मेरा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। बस एक बात बता मिशी, तेरी नजर के साथ साथ तेरा दिमाग भी क्या खराब हो गया है? तमीज से, छोटी बहन है तेरी। घर दबी चल दबटा। आय हाय रूमी, अरमान को फोन कर, मैसेज कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ ब्लॉक लिस्ट में डालें अभी इस वक्त मेरे सामने से। लो जी, एक का घर नहीं बस रहा और दूसरा बसा बसाया उजाड़ेगी, देख लीजिएगा। अम्मा गोल में कुछ जीवन दे ना, की थी करें दिया गला। अम्मा आपने मेरी नजर का तावीज क्यों नहीं लिया उनसे, कम से कम इस चश्मे से तो जान छूटती मेरी। मिशी जितना तू अपना चश्मा साफ करती है ना, उतना अपना मुंह भी साफ कर लिया करे, तो दूर से लाइटें मारने लगे। क्यों पीछे पड़ी रहती हो इसके तुम? अम्मा इन नखरों से घर नहीं बसते, ससुराल भी तो जाना है कल को। हाँ मैं क्या कह रही हूँ कि ना हम घर दामाद ले आते हैं, बिल्कुल मिस्कीन भाई जैसा ना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, चुप करो तुम। गुल फोन मिलाओ फल्की को और पता करो कब आएंगे ये लड़की वाले। मिलाती हूँ मिलाती हूँ। रूमी रूमी, ए फॉर एप्पल। सारा दिन फोन पे बात करेगी तो सुनेगी कहाँ से? हाय हाय तेरा बेड़ा तर्ज है, ये गंदी मंदी पत्ती तू मेरे बेटे को पिलाने लगी चाय बना के। क्या हो गया बेबे, साफ तो है फर्श। है साफ है फर्श, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा पुत्र साफ है ना, तो मेरा बच्चा चट ले इसको। बेबे अपनी वाली क्यों मरे हुए डड्डू की तरह शक्ल बना लेती है तू, शर्मो याद काटा। चल नवी पत्ती काट और नया दूध ले और चाय बना के दे मेरे बच्चे को। कहाँ से लाऊं नई पत्ती, नहीं है तभी तो ये उठा के डाल रही थी। तो जाके दादी से ले आ हमसाए से। नहीं भाई नहीं, मैं मानी जाऊंगी, कल आदम को दौरा पड़ा था, वो देखते ही मुझ पे चिपट जाएंगी। तौबा भाई तौबा, बहाने बनाने का तो कारखाना है तेरे पास, और क्या फर्क पड़ता है, परसों वो भी हमसे पूरे 5 चमची लेके गए हैं पत्ती के। जा लेके आ। मुसीबत है बेबे, मांग मांग के ना मेरी शक्ल फकीनियों जैसी हो गई है। चल जा। ए सुन 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 इधर। हाँ अब जा ही रही है ना, तो वो चश्माटो है ना उससे जरा पूछ के आई कि ये कुंगरों वाली सरकार कौन है, क्यों आती है, क्या चक्कर है। साफ साफ कहे ना कि कल दोपहर से आपके पेट में दर्द हो रहा है, जब भी बहाने से मुझे वहाँ भेज रही है। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, चल जा वरना जूती लावांगी। सर हमसायों की मूवी का डायलॉग है ना ये। लो वो जूती। जा रही हूँ बेबे। चक्कर में मुझे फकीर बनाया हुआ है, कभी ये दे दो कभी ये दे दो, कभी ये मांगने चली जाओ कभी ये मांगने चली जाओ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। लग रहा है बेबे ने फिर सुथरी की है। तुम्हारी जो ये बेबे है ना, ये बहुत चस्कोली है, तो जबरदस्ती मुझे वहाँ भेजती है पत्ती मांगने के लिए। वहाँ को रिश्ते वाली पार्टी आई है, बाहर बहुत लश गाड़ी खड़ी है। सच? बस दुआ करो कि इस बार उस्ताद जी का रिश्ता हो ही जाए। बोलो आमीन। आमीन। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे अभी आधा घंटा पहले ही तो बताया था अपने गेस्ट का, फौरन निकल आया ऑफिस से। भाई सुनिए भाई, भाई क्या है? फाजी भाई आप अपने रूम में नहीं जा सकते। क्यों, कमरे में कोई भूत है क्या? अरे गुलापा। हाँ। फाजी भाई अपने रूम में जा रही हैं। मसला क्या है आपा? वो गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे चेंज तो कर लूं। बहुत अच्छे लग रहे हो फाजी। तुम क्या आके फाड़ कर देख रही हो, चलो 9 का टेबल सुनाओ। जी भेज दिया बेबे ने जासूसी करने? नहीं नहीं, वो तो उन्होंने पत्ती लेने भेजा है मुझे। अच्छा दो इसको पत्ती और तुम मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो। अब मुंह तो धो लूं पहले। अरे शेर का भी मुंह धोता है, आओ चलो। सुनो रिश्ते वाले आए हैं क्या उस्ताद जी के? बड़ा शर्मा के गए अंदर। तुमने बताया था आदि के रिश्ते के बारे में जो हम बताएं?
अरे वो तो अम्मी और ताई ने सब कुछ होने के बाद बताया हमें। प्लीज मीनू, बात ऐसी करो जिस पर यकीन आ जाए, वरना बड़ी चाची और छोटी चाची का घर जोड़ तो पूरे खानदान में मशहूर है। अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही मैं। क्या आदि खुश है इस रिश्ते से? हाँ हाँ बहुत। चलो ना, पत्ती तो दो मुझे। आप कम गो हैं या मेरे से बात करना पसंद नहीं आता? रात को भी मैं मैसेज का रिप्लाई का वेट करता रहा, लेकिन आए ही। अच्छा, सो गई थी। खैर मुझे ये बताएं कि और क्या पसंद है आपको मेरे अलावा। हेलो, आप बात नहीं करेंगी तो ऐसे कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारी? मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। क्या है? अम्मी और ताई अम्मी बुला रही हैं आपको। आ रहा हूँ। भाभी खुदा के लिए किफायत को हर जोड़े की कीमत आधी से आधी बताना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कहना कि एक जोड़े के साथ एक मुफ्त आया। खुदा का खौफ करे चाची, इतना बड़ा झूठ। अच्छा ना, तुम अपने सच का झंडा अपने पास रखो। तो ठीक है ना, तुम्हारे चाचा ने अपनी शेरवानी संभाल के रखी है तुम्हारे लिए, वो पहन लेना। मैं क्यों पहनूंगा वो सारे कदीमा की शेरवानी? मैंने नहीं पहनी। अच्छा ये बताओ कि वो अम्मा के गेट के पर गाड़ी किसकी खड़ी हुई है? मुझे क्या पता अम्मी। खैर पता हो तुम्हें सब कुछ होता है, बताते नहीं हो फाजी की बातें हमें। मीनू, पत्ती मांगने गई है वो छोटी दादी की तरफ। क्यों, किचन में आधा डब्बा रखा तो हुआ है? पूरा का पूरा डब्बा गिरा दिया फर्श पर। हाय बेड़ा घर को इस लड़की का, फिर गंद मचा दिया किचन में। जाओ बुलाओ इस बेवकूफ लड़की को। लगता है फाजी के रिश्ते के लिए लोग आए होंगे। फिर तो वो वहां से हिलेगी नहीं। मिर्ची वापस आ। बेटा तुम्हारी लड़की से बात हुई है? हाँ वो थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई थी। आप लोग बैठे, मैं आता हूँ। बड़ा ही खुश है मेरा बेटा, माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। लग रहा है मैं चाय लेके आती हूँ। अरे भाभी मैं बना देती हूँ ना। अम्मी पत्ती तो नहीं है चाय की। आपको पेस्टिसाइड्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वंडरफुल। घर बार बिजनेस सब सेट है तो बेटा शादी में थोड़ा लेट नहीं कर दी? वो असल में हमारा इकलौता साला शरीफ है तो हमने सोचा जरा शादी देखभाल के ही करेंगे। है ना? बिल्कुल। तो आपा कोई और तस्वीर तो दिखाएं लड़की की। हाँ हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह मेरी हानिया बहुत सेंसिबल और बहुत वेल मैनर्ड। वो क्वालिफिकेशन क्या है लड़की की? बीएस कर रही है साइकोलॉजी में और बड़ा पढ़ने लिखने का शौक है उसे। मेरे ख्याल है करियर भी यही बनाएगी। क्या बात है, पापा डन करें। तो आप लोग कल आए ना हमारे घर डिनर पे, भाई फाज और हानिया एक दूसरे को देख भी लेंगे। डेफिनेटली, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी लड़की हमें भाग गई तो शादी इसी महीने होगी। इसी महीने में? खैरियत, दरअसल अम्मा उम्रे पे जाना चाह रही हैं फाजी की शादी के फौरन बाद, और फिर कुछ घर के मसाइल भी हैं। असल में हम हानिया के साथ साथ अपने बेटे अशर के लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ ही निपटा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी चाय तो लेना आप। गुल शुगर पार्ट किधर है? मैं लेके आ जाता हूँ बुआ। अरे नहीं मिस्कीन आप बैठे, मैं हमारी रमीशा से कहती हूँ वो ला देगी। अरे यार जल्दी कर दो मिशी, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, हादी भाई जान निकाल देंगे मेरी। अच्छा एक बात तो बताओ मीनू, सच सच? हाँ मीनू हमेशा सच ही बोलती है। क्या ये कनाडा वाली लड़की बहुत खूबसूरत है? है तो खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मुकाबला किसी से, तुम तो इतनी प्यारी हो, क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि फाजी भाई की मेहंदी पे ना हम सब लोग शरारे पहनेंगे, मैंने चुपके चुपके डांस प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। बताओ एक स्टेप है जो मेरा फेवरेट है, एक तो हम ये वाला करेंगे और एक गोल घूमने वाला। ओए मिशी शुगर पॉट लेकर आना जरा, वो इंपोर्टेड वाला। जी आपा। अरे कहाँ रख दिया मैंने ये शुगर पॉट। मीनू एक काम करो, लाउंज की टेबल पर जाके जल्दी से देखना, और अगर वहाँ हो तो प्लीज अंदर दे आना, मैं जब तक ये बर्तन समेट लूँ। अच्छा, पत्ती तो निकाल के तो मैं जाती हूँ। अच्छा तुम शुगर पॉट तो दो, मैं तुम्हारे लिए पत्ती निकालती हूँ, जाओ जल्दी कर दो बस। ये लीजिए आंटी, हमारा भी इरादा है फाजी से छोटी हमारी बहन रमीशा की शादी का। तो क्या कोई रिश्ता देखा आप लोगों ने? जी देख रहे हैं। गुल शुगर पार्ट कहाँ रह गया? मिशी को बुलाओ ना, मेहमानों से भी मिल लेगी। मैं अभी रमीशा को बुलाती हूँ। मेरा जहेज तमीज से
बेटा चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं ठीक है। मिक्स तो ना कर, गंदी चीनी साफ चीनी में मिक्स कर रही है। यही है आपकी बहन रमीशा? नहीं ये तो हमारे चचा की बेटी है मनीहा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी माशाल्लाह। मीनू तू जा पीसी को भेज दूसरा शुगर पार्ट लेके। जी देहान से। हाँ जी भैया। कभी कभी मीनू ऐसा कर देती है। बच्चे कहाँ रह गई लड़की, क्यों नहीं आ रही? बेबे एक तो ये आपकी पत्ती के चक्कर में ना मेरा घुटना चल गया है। दफा मार घुटने को, मुझे बता उधर क्या हो रहा है। तेरी छोटी दादी ने किन लोगों से रिश्ता नाता किया है बताते से, मुझे हंगारा तो दे देना। आपको हंगारों की पड़ी है यार, दर्द हो रहा है मुझे। तो आंखें खोल के चलना था ना। नजर लग गई मुझे उस्ताद जी की, वो ना होने वाली सास की। अच्छा इधर आना, इधर मेरे पास आके बैठ तो सही। इधर आना, छोड़ आराम से बेबे, दर्द है। अच्छा बता कैसे लोग है? थे तो बड़े अमीर लोग। अरे ये बख्तो है ना, ये बख्तो, ये बड़ी तेज चीज है, बहुत चलाक है। ये छोटे मोटे खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ने वाली, शोधी है कहीं की। फाजी पसंद आ गया उन्हें? अल्लाह जानता है कौन पसंद आया उन्हें। तो मिसेज अमजद फिर आपने बताया नहीं अपना इरादा? वो जो बच्ची अभी आई थी, क्या नाम है उसका, मनिया, उसका कहीं रिश्ता वगैरह तो नहीं तय किया आप लोगों ने? नहीं नहीं उसकी तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और ना होने के इम्कान है। मुझे वो बच्ची बहुत पसंद आई है। ये आप क्या कह रही हैं मिसेज अमजद? खुल के बताओ ना। असल में मैं आपकी पोती मनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।